हे व्हाट्सअप व्हाट्सअप गाइस। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर ना आज हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 5 प्रो डिवाइस को लेकर, यार यहाँ पर ना काफ़ी सवाल देखने को मिल रहे हैं, जो कि यूज़र्स बोल रहे हैं कि यार हमें MIUI 10.0.2.0 की अपडेट जो है वो देखने को नहीं मिल रही, तो क्या किया जाए, कब तक देखने को मिलेगी। तो यार यहाँ पर मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि है निकल कर आई। अगर तो यार इस वीडियो में इंटरेस्ट होना तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले आपकी डिवाइस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और उससे पहले यार आपको एक चीज़ बताता चलूं कि यार यहाँ पर मैंने टेलीग्राम का एक चैनल बनाया है, जिस पर मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जल्दी, क्योंकि यार वीडियो जो है वो थोड़ी लेट आती है और इन्फॉर्मेशन आपको पहले पता लग जाए तो बेहतर है। क्योंकि रैंडमली डिवाइसेस के लिए यार रेडमी नोट 5 प्रो के लिए जब अपडेट आई थी तो कुछ यूज़र्स को मिली, कुछ यूज़र्स को नहीं मिली। इसकी एक ही वजह थी कि यार यहाँ पर जिन जिन के पास नोटिफिकेशन आया उन्हें पता ही नहीं था कि यार अपडेट भी आ गई है, इसी वजह से उनकी अपडेट चली गई। तो इसीलिए मैंने चैनल बना लिया है, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन एक मिनट में मिल जाएगी। उसके बाद यार आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि यार Redmi Note 5 Pro जो कि डिवाइस है, इसके बारे में अभी लोग ये पूछते हैं कि MIUI 11.0.2.0 का जो स्टेबल अपडेट है वो कब तक देखने को मिलेगा। यार एक चीज़ आपको एक और बताऊँ कि यार पहले जो था, हम अपने अपडेटर ऐप में या कह सकते हैं जाकर चेक फॉर अपडेट पर करते थे तो हमें अपडेट नहीं देखने को मिलती थी, और हम उसका अगर चेंज लॉग चेक करते थे तो हमें देखने को मिल जाता था। मगर अब ऐसा नहीं है, अब हमें अपडेट जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। इसकी एक वजह यार बहुत बड़ी वजह एक ये है कि यार उसके बारे में मैं आपको दिखाता चलूँ इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कि भाई ये जो है ये अब हमारे लिए देखने को नहीं मिलने वाली। अब कब तक नहीं देखने को मिलने वाली वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। यार पहले तो हमारे लिए एक लिखा गया था कि भाई अपडेट जो है वो आपके लिए फ्यूज़ की गई है, मगर अब यार ये लिखा गया है कि भाई सस्पेंड फॉर नाउ, सिर्फ अभी के लिए जो अपडेट है वो Redmi Y2 और Redmi Note 5 Pro के लिए सस्पेंड कर दी गई है, जो कि अब कुछ यूज़र्स को, मतलब जिनको देखने को मिल गई ठीक थी, अभी जिनको नहीं देखने को मिली उनको अभी फ़िलहाल नहीं देखने को मिलेगी, अभी कुछ टाइम लगेगा। अब यार यहाँ पर आपको पता है कि पहले ही कुछ यूज़र को देखने को मिली, उनके पास फीडबैक बुरा गया तो उन्होंने अपडेट रोल बैक कर लिया। उसके बाद यार यहाँ पर अब लोग ये पूछते हैं कि अपडेट कब तक देखने को मिलेगी। यार उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको टाइम लग सकता है, 10-20 दिन भी लग सकते हैं, 25 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि यार ये जो अपडेट थी ये सिर्फ रैंडमली यूज़र्स को देखने को मिली थी, सभी को नहीं देखने को मिली थी। तो यार यहाँ पर दोबारा से अपडेट आएगी, रैंडम यूज़र्स को मिलेगी, उनसे फीडबैक मिलेगा, फिर प्रीव्यू होगा, फिर उसके बाद अगर उसमें कोई बग ना हुआ तो हमें देखने को मिलेगी, अगर उसमें फिर भी बग निकल आया तो यार फिर से सस्पेंड हो जाएगी। इसी वजह से यार टाइम लग सकता है इसमें, मगर मुझे लगता है पर्सनली कि 25 दिन तो यार 20 दिन तो पक्के ही हैं इस अपडेट के बारे में। तो यार फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि भाई अगर आप अपडेट का इंतज़ार कर रहे हो तो अपडेट आपको देखने को नहीं मिलने वाली है फिलहाल, क्योंकि यार अपडेट हो गई है सस्पेंड अभी के लिए। तो अगर तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और टेलीग्राम का जो चैनल है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।